Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. मैं अक्सर सोचता हूं, why do I cook? Is it because I'm a chef? Or is it to feed people? या मैं किसी ऐसे जायके की तलाश में हूं जो मुझे अभी मिला नहीं? It's not that. खाना मेरे लिए एक जरिया है जुड़ने का, लोगों से, जमीन से और अपने आप से. खाना मुझे जोड़ता है पुरानी यादों से और नए रिश्तों से. मैं ठहरना चाहता हूं ताकि अपनी रसोई को, अपनी कुकिंग को थोड़ा वक्त दे सकूं और इस 20 साल पुराने रिश्ते को एक बार फिर ताजा कर सकूं. आफ्टर ऑल आई एम बिकॉज आई कुक. पुराने रिश्ते, पुराने नुस्खे और मेरी रसोई. राजा रसोई और अंदाज अनोखा. टुडेस जैसे ना दोज नाइट्स जब नींद आने से साफ इनकार कर देती है. और नींद का ऐसा ही है, मतलब जब लगता है कि भाई बहुत ज़रूरी काम है उससे पहले नींद ज़रूर आती है, और जब नींद की ज़रूरत होती है ना तो नींद बिल्कुल नहीं आती. लेकिन इस टाइम का मज़ा कुछ और है. रात में ना फोकस बड़ा बन जाता है. अब जब मैं मुनीर चचा के साथ रहता था तो रात को तो 2:30 बजे उठा देते थे, बोलते थे चलो निहारी चलाओ, और धीरे धीरे निहारी चलाते 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 वो एक 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 फोकस बन जाता है खाने के साथ. चटकती हुई आग वो भी साफ सुनाई देती है, और हल्की 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 उबलती निहारी साफ सुनाई देती है. और जब सुननी बंद हो जाए इसके दो मतलब हैं कि या तो आग बुझ गई और या आप सो गए. और अगर आप सो गए तो सुबह सुबह मुनीर उस्ताद आएंगे और धीरे से आपके नीचे से खटिया सरका देंगे, और उसके बाद सुबह की निहारी तो भूल जाइए. एक्चुअली रात भी है, गोश्त भी है, निहारी बनाते हैं. चल जी, दही भूल गया. मिर्च है, सिनेमन. क्या कर रहे हैं मन्नू भाई? गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. अरे हमें नींद नहीं आ रही थी यार, हमने कहा चलो बढ़िया कुछ नाश्ता वाश्ता किया जाए कल. मन्नू भाई नाश्ते में निहारी खाएंगे क्या? निहारी है? हाँ, क्यों नहीं खाएंगे? थोड़ा दही लेके आइए ना, फिर हम दही भूल गए यार. दही? हाँ, दही लाड़. बहुत सारी जगह आजकल लिखा होता है हमारे यहाँ देसी घी की निहारी बनती है, हमारे यहाँ फला निहारी बनती है. देखिए देसी घी अगर निहारी में पड़ गया ना तो निहारी नहीं हो सकती, क्योंकि निहारी जो है वो सरसों के तेल में ही बनती है. निहारी के लिए क्या किया जाता है कि सरसों के तेल को पहले जलाया जाता है, जब आंखों से आंसू आने लग जाए ना उसके बाद लहसुन के पानी का छींटा मारा जाता है. ये लहसुन का पानी Nice. तेल का पूरा जायका बदल गया. अब इसमें डालता हूँ प्याज. हेलो जी, चूल्हा करता हूँ तेज. अब यहाँ पे प्याज को भूनना बहुत जरूरी है. निहारी बहुत बेसिक सी डिश है, देखा जाए तो बहुत कुछ नहीं पड़ता इसके अंदर. अब निहार मतलब होता है दिन, और दिन की पहली नमाज होती है फजर की नमाज. और कहते हैं जब फजर की नमाज की अजान होती है तब निहारी जो है वो बाहर आ जानी चाहिए, लग जानी चाहिए, क्योंकि उस समय लोग नमाज पढ़ने जाएंगे, उसके बाद निहारी खाएंगे और उसके अपना दिन शुरू करेंगे. वैसे तो निहारी वाले बहुत हैं, लेकिन हमारे एक पर्सनल फेवरेट है लखनऊ में. नहीं, मुनीर चचा अच्छे बनाते थे, लेकिन हमारे पर्सनल जो फेवरेट हैं वो है हाजी जुबैर. उनकी निहारी और उनकी बातें बहुत मुश्किल है चूज करना कि भाई बेटर कौन सा. निहारी और बातें दोनों में लाजवाब.
मतलब ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका उनके पास नुस्खा नहीं, ऐसा कोई नवाब नहीं जिनको उन्होंने या उनके पिताजी ने खिलाया नहीं, और ऐसा कोई भी हेड ऑफ स्टेट या होटल का शेफ नहीं जो उनके यहाँ से सीख के ना गया हो। नाइस, प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया और अब डाल देते हैं गोश्त। निहारी में गोश्त को मैरिनेट नहीं करते, जैसे होता है वैसे डाल देते हैं। गोश्त के साथ में थोड़ा कच्चा प्याज, और देखिए ये जो है ना सीक्रेट्स कोई नहीं बताएगा। आमतौर पे लोग कहेंगे देखो प्याज और गोश्त भून लो, थोड़े बहुत मसाले वसाले डाल देना, पुराने उस्ताद तो जरूर ऐसे ही कहेंगे, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि भाई पहले प्याज पका के ब्राउन करो, उसके बाद आधा कच्चा प्याज डालो। कच्चे प्याज से जो मिठास आती है ना, और दूसरी चीज़ कच्चा प्याज धीरे धीरे भुनेगा और जो गोश्त की हड्डियाँ हैं उनसे कटेगा और जो जायका छोड़ेगा ना आउटस्टैंडिंग। इसलिए प्याज कभी भी एक साथ में पूरा नहीं डालना। अब यहाँ पर भी ये समझना बहुत जरूरी है कि नमक इस टाइम क्यों डाला। नमक इस टाइम इसलिए डाला ताकि गोश्त जो है वो भी पानी छोड़े और जो कच्चे प्याज डाले हैं वो भी पानी छोड़े और दोनों के पानी में गोश्त पके, और जैसे ही पानी छोड़ेगा गोश्त वैसे ही अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन हरी मिर्च बराबर बराबर। मन्नू भाई दही ले आ रहे हैं। दही खुशबू आई है जबरदस्त। जदरबस्त, जदरबस्त, जबरदस्त। 12 बजे तक होता है, 12 बजे के बाद जदरबस्त हो जाता है। पता नहीं था क्या आपको? पता है, जैसे 12 बजे तक लखनऊ होता है और रात को 12 के बाद नखलऊ बन जाता है। नखलऊ। हाँ बैठिए, बतियाइए कुछ, आप सुनाइए कुछ, हमारी सुनिए। यहीं बैठता हूँ। अरे उधर मत बैठो। किधर? ये इधर। हम रात को जो है पानी अपने आप हिलता रहता है पीछे। नहीं ठीक है भैया, पानी हिलता है। और अब मसाले। हल्दी ज्यादा नहीं, मिर्च, मिर्च बहुत जरूरी है रंग के लिए, और धनिया पाउडर ये भी बहुत जरूरी है। हेलो जी मन्नू भाई। हाँ पड़ोसी जाग जाएंगे आज। क्यों? ये लिखिए जरा। अरे ऐसे ऐसे सूंघ के बता दी। खुल गई नींद। आहा। अच्छा सुने, एक काम करिए, आप थोड़ा आटा ले आइए, घी ले आइए, दूध ले आइए, और भगवान आपका भला करे केसर को ना थोड़ा पानी में घोल के ले आइए। आटा, घी, दूध, केसर। हाँ आ हा तो जी आ लो। दही लाए तो थे मन्नू भाई, ये क्या दही। सबसे जरूरी चीज दही कब डालनी, अगर गोश्त में रंग नहीं आया तो दही नहीं डालनी, मसाला तैयार नहीं हुआ दही नहीं डालनी। एक बार दही डाल दी प्याज नहीं पकेगा, एक बार दही डाल दी मसाला पकना बंद हो जाएगा। टाइमिंग है, समय, समय बहुत बलवान है स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कुकिंग। थोड़ा दही और डाल देता हूँ। राइट टाइम पे आए हैं। राइट टाइम बहुत जरूरी है जिंदगी में और खाने में। लाइए दीजिए, क्या लाए? आटा और आटा है, दूध है। रंग देखिए, रंग देखिए, आइए आइए। अरे हमारे नखलों में इसके साथ कुलचा खाया जाता है। कुलचा ऐसा होता है, देखिए यहाँ से पकड़ेंगे और ऐसे जमीन पे छोड़ देंगे तो कुलचा नहीं मिलेगा, सिर्फ ऐसे ऐसे टुकड़े टुकड़े मिलेंगे। इतना, इतने घी वाला कुलचा होता है, इतना खस्ता कुलचा जिंदगी में देखा नहीं होगा आपने। उस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, फिर परसों का नाश्ता हो जाएगा। हम उल्टे तवे पराठा बना देते हैं आपके लिए। बनाइए।
बैठिए आप। बैठ रहे हैं। अरे थोड़ा एक काम कर दीजिए बैठे बैठे। हाँ, निहारी का मसाला कूट दीजिए। लाइए। हम अरे वहीं बैठे रहिए, हम लेके आते हैं। अरे नहीं, क्या बात कर रहे हैं। पत्थर का फूल, ये दालचीनी हम श्रीलंका से लाए थे। श्रीलंका? अरे हाँ, सबसे बढ़िया दालचीनी रहती है ये। गई कबाब चीनी। हाँ ठीक है। और ये हम पाउडर बनाए हुए हैं, बस ये पाउडर डाल देते हैं। क्या पाउडर है? पाउडर है बस। आप भी अपना सब कुछ रेसिपी नहीं बताते हैं सबको, हैं? कुछ छुपा लेते हैं आप। अरे बता दीजिएगा तो थोड़ी ना हम बना लेंगे। अरे आप बना सकते होंगे तो भी नहीं बनाएंगे, बनाएंगे तो फिर हमको आपके खाने की आदत पड़ जाएगी ना। हाँ नहीं नहीं, मतलब ऐसी बात थोड़ी है। चलिए कूट दीजिए, पीछे बैठे बैठे आराम से कूट दीजिए। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं। निहारी के मसाले में टोटल सिर्फ 28 मसाले जाते हैं। चलिए लिखना शुरू करिए। जायफल, जावित्री, लौंग, दालचीनी, सूखा गुलाब, खस की जड़, पान की जड़, जरा खुश की जड़, बोआ बीर, पीपली, काली मिर्च, थोड़ी लाल मिर्च, थोड़ा संदल का बुरादा और कबाब चीनी, और साथ में थोड़ी छोटी इलायची, बड़ी इलायची, उसके साथ में एक जंगली बेर आता है, एक छोटा सा जंगली बेर वो पड़ता है, और धनिया और शाही जीरा, उसके साथ में थोड़ी सी कलौंजी, बिल्कुल थोड़ी सी कलौंजी, सरसों के बीज बिल्कुल थोड़े से, 22 हो गए तो 6 रह गए, तो हमने पीली मिर्च डालनी बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ में लेमन ग्रास होता है ना, लेमन ग्रास की जड़, धनिए की जड़, पत्थर का फूल कैसे भूल गए, पत्थर का फूल बहुत ज़रूरी है, उसे सौंधापन आता है, पत्थर का फूल 3 रह गए अब, उसके बाद स्टार एनिस, थोड़ा सा केसर और तेज पत्ता। मनु भाई। हाँ भैया। मसाला हो गया क्या? मसाला कूट तो रहा है, देखिए हो गया क्या? नहीं अभी तो टाइम लगेगा। अरे आप मिक्सी में कर ला दे किचन में जाके, यहाँ कहाँ बैठ गए? अरे तो पहले आप बताए नहीं मिक्सी में, हमको पसीना निकलवा दे झूठ मूठ का, क्या तरीका है कोई? और इधर खटर खटर कर रहे हैं, वो पड़ोसी जाग जाएंगे, पड़ोसी आके निहारी खाने आपको मिलेगी नहीं। देखिए कितना पसीना निकल गया, बिना मतलब हम ले जाए कूट लेते उधर। अच्छा सुनिए, आटा गूंद लेते हैं। चलिए आटा। हाँ हाँ, परात कहाँ है? हाँ उधर है, ला रहा। दो लीजिए। एक बात पूछे भैया, ये लखनऊ में सब खाना 4 घंटा, 12 घंटा, 18 घंटा, 1 हफ्ता ऐसे क्यों पकता था? एक चीज बताते हैं आपको, अब आपने सीरियस कर दिया हमको। जिंदगी में शौकीन होना बहुत जरूरी है, और हमारे नवाब साहब जो थे वो शौकीन थे, और क्योंकि वो शौकीन थे तो उस चक्कर में आजू बाजू के लोग शौकीन हुए, उस चक्कर में बहुत सारे शौकीन लोग एक साथ आ गए, और बहुत सारे लोगों का शौक था खाना, इसलिए लखनऊ खाना जैसा है वैसा है। अच्छा आटा, घी, नमक याद रखिए, कल आपको बनाना है। आटा, घी, नमक। हाँ। घी डाल दिए, ठीक है। हाँ अभी केसर। हाँ केसर में कंजूसी नहीं? नहीं। अभी दूध। चल मसाला कूट दीजिए। चलिए मिक्सी में से कूट के ले आऊँ? अरे यहीं कूट लीजिए, यहीं करूँ? हाँ भाई, लखनऊ में ना जो ब्रेड कल्चर है वो अमेजिंग, कम से कम 20-30 किस्म की ब्रेड्स हैं, और लखनऊ की ज्यादातर ब्रेड्स घी में रिच है। इसमें ट्रिक ये है कि घी को धीरे धीरे खपाना है, एकदम से घी नहीं डालना, ऐसे उंगलियों से ऐसे घी को खपाना है। कट गए पेड़े, अब इसका मामला करते हैं शुरू। वर्की पराठे का पेड़ा बनाने के लिए बड़ा सिंपल फॉर्मूला है जी। पेड़े को मोटा मोटी ऐसे फैला लिया, चम्मच लेके चम्मच के पीछे से काट लिया, एंड गेस व्हाट, घी। थोड़ा घी। मनु भाई। अरे भैया सो गए क्या? नहीं कूट रहे हैं।
तो ये बन गया वर्की पराठे का पेड़ा। एक, दो, तीन, चार, पांच, और इस पे कपड़ा डाल के छोड़ देते हैं। ये गया गीला कपड़ा। मनु भाई। हाँ भैया। एक और कहानी सुनाते हैं। सुनाइए। जरा कुर्सी लेके आइए। कुर्सी ले आए? यही वाला है। आराम से, हाँ आराम से लगाइए यहाँ पे। रुकिए थोड़ा पोजीशन देख लेते हैं। हाँ ठीक, मसाला हो गया? मसाला हो गया। लाइए। देखिए क्या बात, रख दीजिए वहाँ, रख दीजिए। तो क्या होता था बचपन में? आइए बैठिए, बैठिए सुना। बैठिए आप। अरे नहीं, आप कुर्सी बैठिए। कुर्सी पे हम बैठेंगे। तो बचपन में क्या होता था, मतलब बचपन में क्या, अब तो खैर अब हम कौन सा बुढ़े हो गए। जब मुनीर साथ साथ काम करते थे ना, तो रात को 2:30-3 बजे निहारी चढ़ाते थे। सुबह 5, 5:30, 6 बजे जो है निहारी तैयार होनी होती थी। तो निहारी ऐसे ऐसे रख देते थे बगल में और ऐसे साथ में पलटा दे देते थे रात भर, रात भर जाग के एकदम। लेकिन उससे फ़ायदा बहुत होता है। क्या फ़ायदा? ये होता है कि खाने को सबसे पहले मिलती है। हाँ आइए जरा कुर्सी पर तो बैठिए। अरे नहीं। अरे आइए तो सही, देखिए जरा कैसा चलाने में कैसा है, देखिए तो सही। रात पर ब्यूटी हम करेंगे और अरे इनाम भी तो मिलेगा। हम रेसिपी ढूंढने जा रहे हैं, अभी आ रहे हैं। हम एक चाय बनाएंगे कल आपके लिए, चाय का नुस्खा लेके आते हैं। रात भर का हो गया और लग रहा है। मनु भाई, ओ मनु भाई। हाँ हमको यहाँ बिठा के आप चले गए, सोने चले गए थे। अरे कैसे सोने जाएंगे भाई, रात भर सोए हैं आप। लग रहा है हमारी आंखों से? हाँ मैं आंखों से लग रहा है, फ्रेश तो दिखाई दे पड़ रहे हैं आप। अरे आपके लिए चाय बनाने गए थे हम, बता रहे रेसिपी ढूंढ के आ रहे हैं। देखिए चाय की रेसिपी लेके आए हम। क्या चाय बना रहे हैं? बहुत बढ़िया चाय, कश्मीरी चाय। अच्छा वहाँ तक पहुँची गाड़ी? गाड़ी पहुँच गई। लग गई? हाँ लग गई। क्या लग गई? निहारी? नहीं नहीं नहीं, हम रात भर चलाए हैं, कैसे लग जाएगी? आंखों से तो नहीं लग रहा रात भर चलाए। अभी तो 2 मिनट पहले ही। काम करिए आप, बाकी बात छोड़िए, लाइट वाइट बंद कीजिए, अब हमको निपटाना दीजिए। कच्चा प्याज, ये भी कोई नहीं बताएगा कि निहारी में अंत में शार्पनेस के लिए ना, तीखेपन के लिए कच्चा प्याज डाला जाता है, और निहारी का मसाला जो मन्नू भाई ने कूटा है वो डाला जाता है। क्या बात है, क्या बात है। ये गया निहारी का मसाला, एक मिर्च, ये कहानी खत्म। बस दूसरी तरफ कश्मीरी चाय तैयार है। इसके लिए गया था मैं, आहा, लखनऊ में गोल दरवाजे के पास ना, सर्दियों में सुबह ये गुलाबी रंग की चाय मिलती है, जिसे वहां पे कश्मीरी चाय कहते हैं। कश्मीर से कोई कनेक्शन नहीं है। पुराने नवाब साहब ये बिलीव करते थे कि भाई कश्मीर से जो लोग आते थे उनके गाल बिल्कुल सेब की तरह गुलाबी होते थे, इसलिए जब गुलाबी चाय बनी तो उन्होंने उसका नाम कश्मीरी चाय रख दिया। कोई कनेक्शन नहीं है इसका। गुलाब के पत्तों के साथ दूध को उबाला हुआ है, और अब थोड़ा सा शक्कर डालता हूँ इसमें। ए गई शक्कर। वैसे तो कहते हैं कश्मीरी चाय में शक्कर इतनी होनी चाहिए कि होंठ जुड़ने चाहिए, इतनी गर्म होनी चाहिए कि जीभ जलनी चाहिए, और इतनी खुशबू होनी चाहिए कि दूर दूर तक जानी चाहिए। तो लबरेज, लबसोज, लबदम कश्मीरी चाय, जिसमें ना तो कोई चाय है और ना कहीं कश्मीर है, लेकिन हमारे लखनऊ की खासियत है तो हमने सुबह बना दी। इसलिए थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा नमक इसलिए डालेंगे कि जो गुलाब की पत्ती का जायका है ना वो निकल के आएगा।
चेक कर लेते हैं गला या नहीं। बिल्कुल निहारी इज डन। तैयारी करता हूँ पराठे की। ये पराठा जो है इसके पेड़े को ऐसे घुमाना है। ये लिया और ऐसे उसके अंदर जितने लच्छे थे सारे घूम गए। तवा चढ़ा देते हैं। असल में जो उल्टा तवा होता है पराठे का वो एक्चुअली कर्व्ड होता है काफी, लेकिन अभी घर पे पड़ा हुआ है, पराठा बन जाएगा इसमें। तवे पे थोड़ा सा घी, अच्छे से घसना इसको चारों तरफ से। चलो जी एक पराठा निकाल देते हैं। नाइस। उल्टे तवे की बेस्ट चीज क्या है कि किसी भी किस्म की ब्रेड हो, रेसिपी में थोड़ी सी शक्कर या शहद बढ़ा के उसके बाद उल्टे तवे पे अच्छे से घिस घिस के बनाएंगे तो हर बार बाहर से एक बराबर इक्वल क्रस्ट आएगी, अंदर से सॉफ्ट रहेगी। अरे मन्नू भाई आ जाए। अरे नाश्ते का टाइम हो गया भाई। कागजी समोसा दीजिए। हमारे लखनऊ का कागजी समोसा है, कागज जैसा है, एकदम हल्का। देखिए ऐसे करते हैं इसको, ऐसे लेके ऐसे चूरा चूरा कर देते हैं। ये लीजिए अब चाय, तो ऐसे जाता है देखिए, ऊपर कश्मीरी चाय और नीचे कागजी समोसा। सही है। तो सर रात भर की तपस्या जो है सर, जगना सब फलदायक है। तृप्ति होगी तृप्ति। यू नो व्हाट, अगर आज मुनीर साहब जिंदा होते तो डेफिनेटली वुड हैव बीन वेरी प्राउड ऑफ। कुछ डिशेस का जलवा ही ऐसा होता, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है रॉयल कोर्ट्स में बनने वाला खाना आम आदमी के पास आता है और धीरे धीरे फेमस होता है, लेकिन बहुत कम खाने ऐसे होते हैं जो आम आदमी के खाने होते हैं और रॉयल कोर्ट्स पहुंचते हैं। जैसे नवाब साहब का दिन शुरू नहीं होता था जब तक कि गली की निहारी उन तक ना पहुंचे, खासतौर बावर्ची टोले की। खाना जो है ना एक अमेजिंग लेवल है, और दिन की शुरुआत करनी हो तो खाना वही खाना चाहिए जो दिल को लगे, चाहे आम हो या खास।